मैंने ट्रांसप्लांट लगभग आज से 2 साल पहले करवाया था। 24 साल का मैं उस टाइम पे था और मेरा बॉडलेस इतनी जल्दी क्यों आया उसके पीछे बहुत सारे रीजन है और मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ। 17 मई को 2 साल हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक और नई वीडियो के साथ आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और आज की जो वीडियो होने वाली है मेरी, वो मेरे ही रिजल्ट के ऊपर होने वाली है और मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट इसीलिए दिखा रहा हूँ। 17 मई को 2 साल हेयर ट्रांसप्लांट को पूरे हो जाएंगे और मैंने में बाल बड़े रखे थे, तो उस दौरान कई व्यूअर्स का कमेंट भी था कि क्या सौरभ भाई आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाल बड़े रखते हैं तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हेयर लाइन रिसीड हो रही होगी क्योंकि हम बाल उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते और उस हिसाब से कॉम नहीं कर पाते बालों को, क्योंकि बालों के बढ़ने में पूरा पूरा 1 साल लगता है, तभी हम उसको अच्छे खासे अगर बड़े हो जाए, लेंथ अच्छी शोल्डर लेंथ तक हो जाए, तभी एक परफेक्ट हेयर स्टाइल बन सकता है लंबे बालों में भी। उस टाइम पे मैं बाल इतने मेंटेन नहीं कर रहा था जिस वजह से पता नहीं चल पा रहा था कि अभी की मेरी हेयर कंडीशन क्या है, तो वही मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं कि अभी की मेरी हेयर कंडीशन क्या है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अभी हेयर कटिंग करवाई है अपनी लगभग 2-3 दिन पहले। तो मैंने हेयर कटिंग क्यों करवाई है, क्योंकि मैं जल्द ही बाल्ड होने वाला हूं, ठीक है। मैं पहले बाल बढ़ाने की सोच रहा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं बाल बढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हो गए कि मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई अभी कुछ दिन पहले ही 11 तारीख को। बाल्ड होने के बाद की जो जर्नी है, किस हिसाब से फिर ग्रोथ होती है, ट्रांसप्लांट हेयर कैसे ग्रो होते हैं बॉल्ड होने के बाद, क्योंकि ये सिचुएशन किसी पे भी आ सकती है। वैसे भगवान ना करे कभी किसी को इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़े, लेकिन ये किसी पे भी आ सकती है सिचुएशन, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में ये चीजें चलती रहती है। तो मैं दोबारा बॉल्ड होऊंगा 20 तारीख को, तो उसके बाद की भी जो भी जर्नी होगी, जो जिस टाइम पे मैं बॉल्ड होऊंगा उस टाइम की भी वीडियो मैं शूट करूंगा प्रॉपर। अभी बात करते हैं मेरी रीसेंट की कंडीशन की, और जो व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरी जो पहले की कंडीशन थी वो कैसी थी और कैसे मैंने डिसाइड किया ट्रांसप्लांट करवाना है मुझे, और क्यों मैंने ट्रांसप्लांट करवाया और कहां से करवाया, कितनी मेरी कॉस्टिंग लगी थी, और लगभग 2 साल होने के बाद अभी मेरी कंडीशन क्या है। तो मैं बता दूं कि मैंने ट्रांसप्लांट लगभग आज से 2 साल पहले करवाया था। 17 मई 2022 को मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। मेरी जो बॉल्डनेस है, 24 साल का मैं उस टाइम पे था और मेरा बॉल्डनेस इतनी जल्दी क्यों आया उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। मेरे को नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर एक सिंगल फैक्टर है, क्योंकि जेनेटिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। मेरे फादर के भी अच्छे खासे बाल थे, मेरे दादाजी के भी अच्छे खासे बाल थे, तो जेनेटिकली ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं हमारी फैमिली में। एक मुझे सबसे बड़ा जो रीजन लगता है वो लगता है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैंने लिया बीच में, जिसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई सिंपैथी गेन करने वाली बात नहीं है, एक जनरल सी बात है कि उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे कोविड के बाद, और कोविड को उस टाइम पीक पीरियड था, तो उसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैं एक टाइम पे बहुत हैवी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा वेट था मेरा, और मैं उस टाइम पे स्कूल लाइफ में था तो बहुत ज़्यादा वेट था। उसके बाद स्कूल लाइफ से बाहर आया तो हमारे में होता है कि हम जो ये यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, तो यहाँ के लड़के फौज का बहुत जुनून होता है, तो उस टाइम पे हाइट वगैरह का मेरा इशू था, वरना फिजिकल में कोई कमी नहीं थी, फिजिकल मेरा बहुत ही बेहतरीन हो गया था उस टाइम पे। तो हाइट वगैरह के इशू से मैं उस टाइम फिजिकल में बाहर हो गया, लेकिन हाँ वेट ड्रॉप करने के चक्कर में मैंने जो सबसे बड़ी गलती की कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा घटा दी, खाना पीना बहुत कम कर दिया और शरीर को बहुत बुरी तरीके से ग्राउंड में रगड़ा। ये बात से मेरी वो कनेक्ट कर सकते हैं जो इस चीज़ की तैयारी करते हैं, और हमारे इधर से और यूपी से, हरियाणा से हमारे भाई लोग जो है, जो करते भी हैं तो बहुत तैयारी करते हैं, बाकी अपनी मेहनत वो पूरी करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है, जो लिखा होता है आखिर में वही होता है। तो बहुत सारे रीजन से तो हाइट में मैं रह जाता था, क्योंकि मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है इससे, तो ये कारण थे। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन मैंने क्यों किया, मैंने आप लोगों को बताया कि वेट ड्रॉप करने की वजह से, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। आप एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करो, उसी गलतियों से मैं अब तक मैंने काफ़ी सीखा, क्योंकि मैंने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब रनिंग तो हमारे लिए ऐसी हो जाती है, बिल्कुल वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं। जो आर्मी की जो ओपन रैली होती है उसके लिए जो फिजिकल करना पड़ता है ना, तो वो एक अलग ही लेवल का होता है, तो उस टाइम पे बॉडी को बहुत बुरी तरीके से रगड़ना पड़ता है, वो फिजिकल आसान नहीं होता, वन ऑफ द टफेस्ट फिजिकल है इंडियन आर्मी का पास करना। तो लड़के तैयारी करते थे साथ में, हम ग्राउंड में 3-3, 4-4 घंटे ग्राउंड में सुबह पड़े हुए, शाम को पड़े हुए, हमारा काम यही होता था, हम पे कोई काम धाम नहीं था, ठीक है। हमारा मेन काम यही था कि हमें बस फिजिकल क्रैक करना है, ये वो सो, लेकिन कोई मेडिकल में आउट हो जाता है, कोई हाइट में आउट हो जाता है, तो ऐसा ऐसा था। उस टाइम मेरे फादर जॉब करते थे और फादर को
पता था कि लड़का मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप को तोड़ रहा है ग्राउंड में, तो उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं बोला। फिर सडनली फादर एक्सपायर हो गए, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ गया उस दौरान, बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ गया कि अब क्या करूँ, अब क्या होगा, कैसे होगा। बहन भी मेरी पढ़ रही थी बाहर दिल्ली में और मैं ही हूँ बस फैमिली में, और पापा भी ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, एक नॉर्मल पद पे ही काम करते थे पापा भी। बहुत सारी दिक्कतें मैंने उस टाइम पे फेस करी, मतलब पता है कि बड़ा मैं ही हूँ अपनी फैमिली में, तो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा और स्ट्रेस एक अलग ही लेवल पे था। तो फिर बालों की कंडीशन जो है वो रैपिडली इतनी जल्दी खराब हुई, खराब तो हो ही रही थी, धीरे धीरे खराब हो ही रही थी, लेकिन वो जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए, उन एक साल में जो मेरी कंडीशन खराब हुई ड्यू टू स्ट्रेस, जो मैं मानता हूँ ऐसा, मैंने बहुत स्ट्रेस लिया उस टाइम पे, तो बहुत कंडीशन खराब हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा जो हो गया हो गया, जब सब कुछ ट्रैक में दोबारा आने लगा एक आध साल बाद, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं ट्रांसप्लांट करवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत भद्दा दिख रहा हूँ, ठीक है, बालों की कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, 23-24 साल का अभी सिर्फ हूँ, और ऑफिस भी जाऊँगा, जॉब वॉब भी जाऊँगा, तो बहुत बड़ा दिखूँगा एज में, जितना मतलब हूँ नहीं उससे ज़्यादा ही दिखूंगा, क्योंकि बालों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि सडनली अगर कोई बॉल्ड हो जाए तो वो एज में भी बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ, फिर मैंने प्लान किया कि मेरे को अब ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। बहुत सारे क्लिनिक विजिट किए, उससे पहले बहुत सारे नुस्खे आजमा चुका था, दवाइयाँ जो लेनी थी ले चुका था, बाकी जो अपने देसी नुस्खे होते हैं वो भी आजमा चुका था बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा ट्रांसप्लांट करवाना है, और बजट आप लोगों को पता है कि ये इंसिडेंट के बाद आदमी अपना बजट देख के चलता है, और मिडिल क्लास फैमिली वाला ऑब्वियस है, वो अपना बजट भी देखेगा और उसे अच्छी चीज़ भी चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ इशूज मेरे साथ थे कि मेरे को बजट के अंदर करवाना था, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि मैं 1-2 लाख रुपए खर्च कर दूं, 80-90 हज़ार रुपए ट्रांसप्लांट में खर्च कर दूं, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्स मेरे कमी थे, 1500 मेरे ग्राफ्स सिर्फ लगे थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे क्लिनिक विजिट किए, फाइनली ऐसा क्लिनिक मिला कि यहाँ पर मेरा ट्रांसप्लांट अच्छे से हो सकता है, ठीक है। प्रीवियस रिजल्ट अच्छे थे क्लिनिक के काफी, सबसे मेन थी कॉस्टिंग बहुत अफोर्डेबल थी, ठीक है, और डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे और काफी फ्रेंडली नेचर था, मैंने ट्रांसप्लांट करवाया। उसके बाद जो कंडीशन है वो मैं आप लोगों को दिखाता आया हूँ कि ये मेरी 1 महीने की कंडीशन, 2 महीने की, 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की। फिर बीच में आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियोस में मैंने बाल बड़े भी करे थे, जिसमें मैंने चोटी वगैरह बना रखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर बाल कटवाए, फिर अभी मैं बाल जस्ट बड़े ही कर रहा था, लेकिन ऐसा इंसिडेंट हो गया। फिर जब मैंने सोचा कि मुझे अब बॉल्ड होना ही है जब 20 तारीख को, तो क्यों ना मैं एक बार कटिंग करा के आप लोगों को रिजल्ट दिखा दूं। तो अब देर ना करते हुए बढ़ते हैं मेरे रिजल्ट की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी अभी की कंडीशन क्लियरली विजिबल है, जो मेरी 1 साल में 6 महीने में 1.5 साल में जो कंडीशन थी, सेम वही कंडीशन अभी भी मेंटेन है, और एज इट इज मेरी हेयर लाइन मेंटेन है। अभी जस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग करवाई है, साइड से मैंने बाल अपने ट्रिम करवाए हैं, और साइड से भी आप लोग हेयर लाइन देख सकते हैं, परफेक्ट हेयर लाइन जो मेरी 6 महीने 1 साल के रिजल्ट में थी, वही हेयर लाइन मेरी एज इट इज मेंटेन है। रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आया है, डेंसिटी ऊपर नीचे देखिए, एनवायरमेंट के हिसाब से डेंसिटी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मेरी डेंसिटी अभी भी एज इट इज मेंटेन है, जितना मुझे लगता है कि मेरे को कोई भी फर्क नहीं दिखता है अपनी कंडीशन में, क्योंकि अगर मुझे फर्क दिखता तो ऑब्वियसली बात है आपसे शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, जब मैं इतने सारे रिजल्ट शेयर करता हूँ, तो अपनी कंडीशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के जरिए क्लियरली। मुझे नहीं लगता कि 19-20 का भी फर्क है, अभी एज इट इज वही कंडीशन है जो मेरी थी। अगर मेरी कंडीशन खराब होगी, इवन अगर क्राउन एरिया आप लोग मेरा देख सकते हैं, क्राउन एरिया भी मेरा एज इट इज मेंटेन है। कई लोग होते हैं जो क्राउन एरिया छुपा देते हैं, ठीक है, वो नहीं दिखाते, लेकिन मैं आपको टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्राउन एरिया भी हर बार दिखाऊंगा कि क्या मेरा क्राउन एरिया जा रहा है, और इवन अगर मेरा क्राउन एरिया जाएगा भी तो उसका भी मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जा चुका है, मेरी एज अभी कमी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल तक मेरा क्राउन एरिया कहीं जाएगा, क्योंकि मेरा जो बॉल्डनेस है वो फ्रंट से ही आया था और क्राउन एरिया में 1% भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो आप लोग देख सकते हैं कंडीशन बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बालों की कंडीशन आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, और ये कुछ मेरी अभी की कंडीशन है और एज इट इज मेंटेन है, जो 1 साल पहले 6 महीने पहले 1.5 साल पहले थी। कई नेगेटिव कमेंट्स मैंने देखे, चलो ये तो होता रहता है जब आप सोशल मीडिया में हो तो नेगेटिव कमेंट झेलने पड़ेंगे, लेकिन मैंने देखे थे कि सौरभ भाई तुम्हारी तो हेयरलाइन रिसीड हो गई है, ये हो गया, तो आप लोग अब क्लियरली देख सकते हैं, जो मेरे सपोर्टर्स भी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और जिनके वजह से आज जो ये चैनल है आप लोगों के वजह से ही ग्रो किया है, जितना भी अब तक किया है आप लोगों की ही दुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट एज इट इज मेंटेन है, जैसा 1 साल पहले था 1.5 साल पहले था, हेयर लाइन एज इट इज मेंटेन है, और कई व्यूअर्स का ये कमेंट था कि यही हेयर स्टाइल आप पे ज्यादा सूट करता है, तो मैंने फिर वही हेयर स्टाइल के हिसाब से कटिंग करवाई और आप लोगों को अपना रिजल्ट जो है वो दिखाया। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और एक और चीज जाते जाते बता
बता देता हूँ कि प्लीज़ जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब दोबारा बॉल्ड होने वाला हूँ ट्रांसप्लांट के लगभग 2 साल बाद, जिसके पीछे का मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया है। फैमिली में दादी जी की डेथ हो गई है और 20 को मुझे दोबारे से बॉल्ड होना है। सबके अपने रिचुअल्स होते हैं, तो चाचा जी तो मेरे बॉल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें 20 को बॉल्ड होना है। उस दिन भी बॉल्ड हो सकते हैं, फैमिली के कुछ लोग पंडित जी ने गए तो उस दिन हमें बॉल्ड होना है, और मैं उस टाइम की भी कंडीशन और उसके आगे जो मेरी कंडीशन के हिसाब से ग्रोथ होती है वो भी शेयर करूंगा। और जल्दी ही, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि संतोष भैया जिनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी, जिनका डोनर एरिया नाक के बराबर था और जिनका जो बॉल्डनेस का ग्रेड था वो 6 और 7 पे पहुंचा हुआ था, उनकी क्या कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।